इस चुनाव में विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी पब्लिक कन्वर्सेशन का एक इशू बन गया, लेकिन इसका एक थोड़ा सा आर्गुमेंट को फ्लिप करें और मैं ये कहूं कि पार्टीज के मैनिफेस्टो तो होते हैं और वो इश्यूज भी रखते हैं, लेकिन इन अ वे इस बार का इलेक्शन कई लोग कहते हैं कि ये वेवलेस था। कई लोग कहते हैं कि कोई प्रो या एंटी ऐसा आपको अपसर्ज दिख रहा हो, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट थोड़ा सा कैकोफोनस कन्वर्सेशन रही, इश्यूज पर फोकस ही नहीं रहा, अगर मैं आर्ग्यू करूं तो। देखिए, ये भी मैंने काफ़ी देखा है कि कोई वेव नहीं है, और ये भी देखा है कि 2014 का जब वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो वेव थी, 2019 में वेव थी, तो ये जो वेव का जो मामला है ये थोड़ा प्रिसाइज नहीं है। और मेरे को तो नहीं लगता था जब 2019 में इलेक्शन हुई थी कि ये वेव इलेक्शन है। अब वो कहते हैं जी वो वेव इलेक्शन है। अच्छा, आप जानते हैं 2014 में मेरे ख्याल 274-275 जितनी भी सीटें आई थी वो तो वेव नहीं थी, तो अब कैसे लोग कहते हैं कि वो वेव थी और इस बार वेव नहीं है? तो पहला सवाल का जवाब ये है कि वेव जो होती है जब एकदम आउटलायर होता है, एक्सट्रीम होता है। दूसरा के इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, और जैसे इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा इशू यही है कि इनकी तरक्की कितनी हुई है लोगों की, हाउ मच हैज देयर वेलफेयर इम्प्रूव्ड। और वो मैं मानता हूँ कि जब भी देखिए जो कंट्री में जाएं, जो भी इलेक्शन में जाएं, सबका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि आपकी वेलफेयर इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। और अगर आप वो यार्ड स्टिक लें तो जो पिछले 10 साल में परिवर्तन हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, लोगों की भलाई हुई है, अब मैं लुटियंस की बात नहीं कर रहा, मैं 95-99% ऑफ इंडियंस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी तरक्की उन्होंने देखी नहीं है कभी भी जी। तो इसलिए सबसे जो वेव की आप बात कर रहे हैं उस पर वापस जाऊंगा मैं कि हो सकता है कि इस टाइम इस वक्त इस इलेक्शन में कि वेव अगर, मतलब कि अगर भाजपा का वोट शेयर कोई 42-43% हो जाए, जो मेरे को लगता है कि जो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि ये हो सकता है उनके अपने आप, तो वो मैं कहूंगा कि वेव है। वाओ, तो अब आपने डिस्कशन को प्रोवोकेटिव बनाना शुरू कर दिया है बाय गिविंग आउट अ नंबर दैट इट कुड बी 45% टू 42 नहीं 42 42-45% वोट शेयर फॉर बीजेपी। नो, मैं 45 नहीं जा रहा, मैं 42 ही कह रहा हूं। अच्छा, पिछली टाइम 37 हुए थे, 5% पॉइंट अगर उनका बढ़ा वो मेरे को लगता है वेव है। करेक्ट, 42% वोट शेयर का आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एक और बात कहूंगा कि सब जने कंपेयर करते हैं कि 1952 में क्या हुआ, 57 में एक्सेट्रा, तो तब कोई 45-46-47% वोट शेयर थे। तो इस टाइम अगर आपने जो भी वोट शेयर की बात करनी है वो भाजपा एंड एलाइज की बात करनी, क्योंकि भाजपा सारी सीटें नहीं कंटेस्ट कर रहा। तो वो अगर आप एनडीए का देखें जी, तो मेरे को लगता है कि वेल विद इन द रेल्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 46-47-48 एनडीए का वोट शेयर हो। बिल्कुल, जो बिल्कुल एक तरीके का बड़ा रिकॉर्ड ही होगा। हाँ।